its foundation. So our excitement is building. All of which art, literature, music, and all forms of creative endeavor स्थापना दिवस के दिन 3 मई 1965 को रखी गई थी। पंजाबी बाग आर्य समाज के संस्थापक उपन्यासकार वैद्य गुरुदत्त जी के प्रयासों से इस विद्यालय की नींव रखी गई। पढ़ते हुए शिक्षा जगत पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। इस शुभ दिन पर मैं A very pleasant evening to all the esteemed guests, all the treasured invitees, valued parents, Dr. Archika Devi, our school alumni, and social welfare are truly inspiring, passionate initiatives, like the Karuna Sindhu Charitable Hospital. Thank you.
I would now request Mr. S. N. Arya ji to present a bouquet to the guests. जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने तो समझ लीजिए पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। तो इन कुछ बातों को अगर हम ध्यान रखें तो जरूर लाइफ में सक्सेस भी मिलती है और हम प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो आज मुझे यहाँ पर सबके साथ अपने दिल की बातें। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑनरेबल गेस्ट्स, एस्टीम कलीग्स, डिवोटेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू द सेलिब्रेशन ऑफ आवर एनुअल डे एंड द 59th फाउंडेशन डे ऑफ आवर स्कूल। टुडे इज अ मोमेंटस डे एंड दैट्स अ बेट। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, कंसल्टेशंस आर द ओनली कीज टू अचीव सक्सेस। दूर उस आकाश की गहराइयों में
थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी। Thank you.
India is not only a name of a country, it is an entity in the world which the world recognizes and adores. Since time immemorial, we have established a striking individuality and connected cordial cords with the entire world. People around the world visit our country, vibrant culture. India is a place to search and research. There is no reason why we should not be proud of our legacy and our achievement. But we always remember our social reformers and freedom fighters like Swami Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy, Sarojini Naidu, Annie Besant, Mahatma Gandhi Ji, Dr. B.R. Ambedkar, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more. और हमारे इन्हीं महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण ही तो आज देश आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास के साथ मना रहा है. So, hold your breath and be ready to sail forward on a journey as we take you on a roller coaster ride of mesmerizing majesty of our country. Let's begin our journey by paying homage to Swami Dayanand Saraswati Ji, jinki 200वीं जयंती के वर्ष को पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था और ज्ञान ज्योति की मशाल हमारे स्कूल के छात्रों को थमाई थी और टंकारा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उपस्थिति दी थी. अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी अज्ञान के अंधेरे में सोते. हमारे पैरों में आज भी गुलामी की बेड़ियां श्रृंगार करती अगर स्वामी दयानंद सरस्वती न होते. जब आंख उठाने का भी डरा बाज गगन में गूंज रही अज्ञानी फौज भारत.
जी कृष्ण और प्रेमचंद गुरु तक जैसे कलम कारीगर लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल पद दर्शन सबको करता सराबा या हंस राज हो परमानंद या राजगुरु सबको सनातन दिशा दिखाई निरा आर्य गोविंद रानाड़ी सबको सत्य की शिक्षा सिखाई
How far will you be going, Andy? Well, now that this is settled, I had thought seriously of going back to India. But a shilling will do splendidly for me. राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे English factories make the cloth that makes our poverty. Bring me the cloth from Manchester and Leeds that you wear today, and we will light a fire that will be seen in Delhi and in London. And if, like me, you are left with only one piece of homespun, wear it with dignity. Bye.
Yeah.
आनंद मुझे नाम से बुलाते लोग प्यार से दस
liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली Yeah.
माँ बनने के बाद बॉक्सिंग छूट गया ना। गीला गीला बस पानी पर खूब रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से रह गया। गीला गीला बस पानी पर खूब रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से रह गया। थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी हो रही। अब आपका बॉक्सिंग करियर खत्म। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू। एक औरत माँ बनकर स्ट्रांग बन जाती है, अब तुम डबल स्ट्रांग बन गई हो। परिंदे पर ऐसी उड़ान है तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग कितनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, इन हवाओं से तेरी यारी है। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी। Thank you.
attitude. Appointments play that explores the power of appreciation and the beauty of expressing gratitude in our lives. Gratitude is contagious. The more you practice it, the more you'll find it to be thankful for. आभार संक्रामक होता है। जितना अधिक तुम उसे अभ्यास करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें आभारी होने के लिए मिलेगा। देखो, देखो मुझे क्या मिला? मैम ने मुझे मेरे बर्थडे पे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। देखो, देखो ना। ये प्लांट्स और बर्थडे गिफ्ट कुछ अजीब नहीं लगता? अरे इन प्लांट्स में कुछ तो खास है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को जीवंत करते हैं, है ना? अरे इन प्लांट्स में क्या खास है, ये तो बस प्लांट्स हैं। धनंजय, मेरे लिए ये बहुत कुछ प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमें उस पर्यावरण के लिए आभारी बनाते हैं जो हमें संभालता है। पर्यावरण, आभार, ये सब तो एक लेक्चर जैसा लगता है। आओ धनंजय, हम कुछ बच्चों से मिलते हैं जो प्रकृति के बारे में अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करेंगे। नेचर हमें हरा भरा एनवायरनमेंट और ताजगी देती है। हाँ, और मुझे नेचर के कलर्स और सीजन, गर्मी, सर्दी, बरसात से भी बहुत प्यार है। थैंक यू नेचर। नेचर हमें ब्यूटीफुल लैंडस्केप और ब्रेथ टेकिंग व्यूज भी तो देती है। नेचर हमें ऑक्सीजन, पानी और खाना भी तो देती है, उसके बिना हम कैसे जी सकते हैं। थैंक यू नेचर। नेचर हमें एनिमल्स और बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी तो देती है। नेचर हमें हर सुबह एक नई शुरुआत का एहसास देती है, इसकी खुशबू और शांति से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। धन्यवाद नेचर। सही कहा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हर सांस, हर पानी की बूंद, हर सूर्य की किरण जो हमें गर्म करती है, यह सब नेचर का ही तो उपहार है और हमें उसके पल पल के लिए आभारी रहना चाहिए। धन्यवाद नेचर। तो अब प्रकृति के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है धनंजय? तुम सबका धन्यवाद, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि हमारे पास नेचर की दी हुई इतनी चीजें हैं जिसके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं। चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। आभार संक्रामक होता है, इसका जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतना ही अधिक तुम्हें आभारी होने के लिए मिलेगा। आओ बच्चों, हम सब मिलकर नेचर का, अपने पेरेंट्स का, साथ ही अपने टीचर्स का आभार व्यक्त करें, क्योंकि इन सब के बिना हमारा विकास संभव नहीं। डियर पेरेंट्स, आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। आप हमारे हर सपने को पूरा करने में हमारा साथ देते हैं। प्रकृति के साथ साथ हमें हमारे टीचर्स का भी आभारी होना चाहिए। दिल से धन्यवाद टीचर्स, आपकी दी हुई ज्ञान और समझ के लिए। आपकी मेहनत हमारे लिए अनमोल है। To build a better country, individuals must embrace ideals of compassion, empathy and respect for all.
ethical and moral values such as honesty, integrity, and accountability are crucial. Practicing good sanitation habits, promoting environmental consciousness by reducing waste, conserving resources, and adopting sustainable practices are vital steps. भूल गया इंसान कि वो पहले क्या था, भूल गया इंसान कि भगवान ने उसे किस रूप में धरती पे भेजा था। आज उसी रूप को इंसान ने बेबस और लाचार बना दिया। भूल गया इंसान कि वो भी पहले जानवर था। क्यों लेते हैं उनकी जान अपने शौक पूरे करने के लिए, क्यों करते हैं उनका इस्तेमाल अपनों को ढकने के लिए। क्या हुआ अगर वो बोल नहीं सकता, पर दी है जिंदगी भगवान ने सभी को, क्या इंसान ये देख नहीं सकता। बनाया गया था हमें अच्छाई के लिए, बदल गया इंसान अपनी भलाई के लिए। अरे रुक जा रे बंदे, बंद कर तेरा कहर, बनाया है उसे भी भगवान ने जीने के लिए, ना दे उसे जहर, ना दे उसे जहर। Thank you.
किया है। आप सभी माता पिता, सभी उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपने बच्चों की इस परफॉर्मेंस। नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं बहती गाती मधुमाती है अल्लड़ हवाएं। बलखाती आती तरंगे ये लहरें की नारे चमके पेड़ पत्ते बूंदे कार्य किया, छोटे से लेकर बड़ा तक। और